नमस्कार दोस्तों, रणथंबोर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक स्टूडेंट ने न्यू बैच ज्वाइन किया है, उसका होमवर्क चेक कर रहा हूँ। तो जो इन्होंने होमवर्क करके भेजा, उसमें क्या मिस्टेक्स है, कितना सही करके इन्होंने भेजा है, उसमें जो भी कमी होगी वो बारीकी से होमवर्क चेक किया जाता है, जिससे कि आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो और ट्रांसलेशन करते समय आपको दिक्कत नहीं आए। आपने लिखा करी, बिल्कुल राइट, नल सही लिखा आपने, कण कण भी बिल्कुल परफेक्ट लिखा आपने, जग सही लिखा आपने। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज आपका। नेक्स्ट पेज में आपने लिखा है चरण, चरण बिल्कुल सही लिखा आपने, नकल बिल्कुल परफेक्ट लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। पवन वर्ड बिल्कुल सही लिखा आपने, जो पवन वर्ड बनाया है कुछ जगह समझ में कम आ रहा है, आप एक दो शब्दों को पेन से लिख के भेजें जिससे ये इजी वे में समझ में आ सके। वह बना और ये न बन गया, तो ये इस टाइप से पवन बन गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सरक, सरक में देखो दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है, ये अपनी लाइन है, तो आपने होमवर्क करके भेजा सरक, स और ये र और क। अब ये जो आप यहाँ पे इसको टच नहीं करना, लाइन पे, लाइन के ऊपर ही रखना है, क्योंकि जो ये शब्द है अपना इसके इक्वल है। आपने एक लाइन में दो शब्द बनाए, एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, तो जब तीसरा अक्षर आप बना रहे हो तो वो यहाँ से यहीं तक आएगा, तो इसको टच नहीं करें, इसका मीन्स चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं, आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है, यहाँ पे आपने लिखा है, ये आपके वर्ड्स कंप्लीट चेक करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टेनोग्राफी करना पहले संभव नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ कि आराम से आप ऑनलाइन से भी तैयारी कर सकते हैं, स्टेनो में कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क चेक करने की दिक्कत आती थी, इसलिए लोग बाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टेनो नहीं चलाते हैं। चलाते हैं तो होमवर्क चेक नहीं करते हैं, लेकिन रणथंबोर क्लासेस में आपका होमवर्क भी चेक किया जाएगा। आप देखेंगे रजत, रजत बिल्कुल सही लिखा आपने, चल, देखो यहाँ पे आपने ज और र बना दिया, तो च और ल इस टाइप से बनाना था आपको। अब आपने बनाया जल कर, यहाँ पे आपने यों घुंडी बना के फिर इस पर रोक के फिर यों करके फिर इस टाइप से आप बना रहे हो। अब जबकि आप यहाँ पे इधर क्यों ला रहे हो, आप इसको डायरेक्ट इस टाइप से लिखें, ये आपकी जय बना, इसका सीधा यहाँ पे पॉइंट आया, इस पॉइंट से सीधे गए और क और र इस टाइप से बनाएं, तो ज़्यादा आसानी रहेगी और ट्रांसलेशन करते समय सही रहेगा और शब्द भी बिगड़ेगा नहीं। इसी टाइप से ललक, ललक आपने गलत बनाया, ल फिर ल और ये क यहीं से निकालेंगे। इसी टाइप से बल, बल आपका ब और ल इस टाइप से बनेगा, जबकि आपने क्या करा, ब बना के नीचे की तरफ इस टाइप से घुमा के फिर यूँ घुमा रहे हो आप, तो ये गलत हो जाता है। मैंने पहले भी बताया कि आप लोग जब भी स्टेनो लिखते हैं तो पहले वीडियो को प्रॉपर सुने, उस शब्द के साथ साथ में वीडियो को सुने कि मैं बोल क्या रहा हूँ वीडियो में, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं हर चीज़ को मैंने बारीकी से समझाया है, तो आप जल्दीबाजी नहीं करें। स्टार्टिंग में अगर आपने जल्दीबाजी की है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए स्टार्टिंग में जल्दीबाजी नहीं करें, बिल्कुल स्लो मोशन में सीखे। कह गए जितना भी बेसिक की आठ क्लासें करीब, तो आठों क्लासों को आप आराम से स्लो मोशन में करें, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। आप ल को हर जगह गलत बना रहे हो, पल प ल क इस टाइप से बनेगा, सरक सही है, मनन मनन बिल्कुल सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। जनक, जनक भी आपने गलत बनाया, ज न और क इस टाइप से बनेगा। आगे देखते हैं जलत, जलत कोई वर्ड्स नहीं होता लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नव सही है आपका, ज ल अब ये तय है, यहीं से आपको बनाना है। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से न बना के ऊपर से ऐसे निकालते हो, तो जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करें, जहाँ पे पॉइंट रुकता वहीं से आपको पेंसिल स्टार्ट कर देनी। आगे देखते हैं
तरस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ट्रांसलेशन करते समय तरस को कैसे समझेंगे? आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा। आपने लिखा तय, ये हो गया रे और यहाँ तक हो गया आपका स। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे, जब भी आप ट्रांसलेशन करोगे तो उस दौरान यहाँ पे पढ़ोगे तय, यहाँ तक क्या हुआ रे, यहाँ तक तो रे हो गया अपना और ये यहाँ तक फिर अपना स हो जाएगा। इसी टाइप से तरफ सही है आपका, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आपने आगे भी कई वर्ड्स बनाए, बिल्कुल परफेक्ट बनाए। कुछ वर्ड्स में तो आपने बिल्कुल बहुत ही सुंदरता के साथ में वर्ड्स को बनाया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। मखत, मखत क्या वर्ड होता है? मैं ख और त, आपने तो मैं क मखण मखण बना दिया, तो मक्खन लिखना चाह रहे होंगे या तो आप इसका आप थोड़ा ध्यान दें। हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को आप लिखे, ज़्यादा बढ़िया है। अब आपने देखो जश्न बनाया, ज स और न, इस टाइप से घुमा के लिखे। वापस से मैं लिख रहा हूँ ज, फिर यहाँ से सीधा निकालो आप स और न, इस टाइप से। जबकि आपने कैसा लिखा है मैं वापस से आपको बता रहा हूँ, आपने लिखा है ज, फिर इसको यहाँ पे गुंडी को रोक दी, फिर यों, फिर ऊपर ले जाके फिर यों आ रहे हो आप, तो ये गलत है आपका। जैसे मैंने अभी फर्स्ट में बताया उस टाइप से आप लिखें। दोबारा से लिख के इनकी प्रैक्टिस करके मुझे भेजे, जिससे आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो सके। आगे देखते हैं दोस्तों, बस कर, ब और स, देखो इसमें भी सेम मिस्टेक किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने छोटी छोटी मिस्टेक की है, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। ब, ये जो स है इसको सीधा निकालो आप, स बन गया, सीधा क आ गया और र, ब स कर, इस टाइप से बनाना था आपको। जबकि आपने क्या करा यहाँ पे, आपने गलती करी यहाँ पे, ब फिर यूँ घुमा के नीचे की तरफ लाया आप, फिर से बनाया, फिर आप ऊपर की तरफ लेके गए वहाँ पे, यूँ करके फिर रे बना रहे हो आप। तो दोस्तों जो ये आप यहाँ तक इसमें तो आए, यहाँ पे आप आ रहे हो एक्स्ट्रा, और इसमें यहाँ पे जा रहे हो एक्स्ट्रा, ये ऐसा नहीं करना। वापस से मैं बता रहा हूँ, ब यहाँ से अपनी पेंसिल आई तो यहाँ से सीधा स और यहाँ से सीधा क और रे, इस टाइप से बनाएं, आराम आराम से बनाएं, जल्दीबाजी नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यदि अपना बेसिक सही नहीं है तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। आप पहले क ख ग को देखें, क्योंकि आपका क ख ग भी कंप्लीट नहीं है। जैसे आपने लिखा जहर, ज है और र, इस टाइप से बनेगा, जबकि आपने ज ग इस टाइप से लिख दिया, तो ये गलत है आपका। इसी टाइप से शहर, स और फिर है बनाओ सीधा और र, इस टाइप से बना दो। जबकि आपने क्या किया, स बना के फिर यूँ घुमाया, फिर इस टाइप से लिख रहे हो आप, तो ये फिर गलत हो जाता है। तो आप इसको वापस से करके भेजें, उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों रणथंभौर क्लासेस चैनल के ऊपर जो भी स्टूडेंट स्टेनो सीख रहा है उसकी कॉपी बारीकी से चेक की जाती है, और हर शब्द के बारे में ये देखा जाता है कि वो लिख कैसे रहा है। जब तक आपको स्टेनो सही लिखने में नहीं आएगी तो स्पीड में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है? स्पीड में यदि आपने जैसे तैसे करके इम्प्रूवमेंट कर लिया तो फिर आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आएगी। ट्रांसलेशन सही नहीं है तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ है स्टेनो में कि ट्रांसलेशन करना आपको सही से आना चाहिए। तो दोस्तों इस टाइप से आप लोग होमवर्क करें। यदि आप लोग न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9610810892 पर कॉल करें, या फिर अपनी ईमेल आईडी इस नंबर पर भेजें, तो आप लोग न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।